जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी एस जोन में। और आज की वीडियो में ये जो बताने वाला हूँ मैं आपको, नेशनल कॉलेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत ही बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस पे जो एडमिशन है उससे रिलेटेड। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। नेशनल पीजी कॉलेज में 800 रुपये फीस है और यहाँ पे 20 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो। आई नो कि आपने एलजीयू में एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, लेकिन उसके बाद भी आपने अगर यहाँ पे नेशनल कॉलेज में अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 23,750 सीट्स यहाँ पे हैं और जिसके लिए अभी 11,000 जो है एप्लीकेंट्स ही आए हैं। सो यहाँ पे फॉर्म आप भर दीजिए, अभी भी सीट्स लेफ्ट हैं। और यहाँ पे आई नो कि आपने एलजीयू वगैरह में फॉर्म भरा है, लेकिन एक से ज़्यादा कॉलेज में फॉर्म भरिए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी एक सेलेक्टेड सीट्स हैं। 73,000 लोगों ने भरा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो आप जान सकते हो कि जो वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं उसके लिए कितना यहाँ पे मारामारी है, कितना कंपटीशन है। एंट्रेंस एग्जाम भी आपका कॉम्पिटिटिव, वहाँ पे कॉम्पिटिशन जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो नेशनल पीजी कॉलेज है इसमें भी आप फॉर्म भर दो, और 20 अगस्त तक लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट बेसिस पर एडमिशन होने। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे अब जो डॉक्टर राकेश जैन है उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर प्रवेश परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है, इसलिए मेरिट बेसिस के आधार पर यहाँ पे सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट है। और यहाँ पे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और बता दूं कि अगस्त के अंत तक आपकी जो है मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी। 20 अगस्त तक आपको टाइम दिया गया है, उसके बाद ये लोग नेशनल पीजी कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट जारी कर देगा और सितंबर के फर्स्ट वीक से यहाँ पे आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है फर्दर वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा तो वह हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, कैसे अपनी लिस्ट देखनी है, कैसे कहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी और कैसे कॉलेज विजिट करना है, क्या वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर है, काउंसलिंग कैसे करवानी है, क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे। सो समय समय पर हम आपको सब कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में उन सभी लेटेस्ट वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो यहाँ बता दूँ कि प्रथम सप्ताह से आपका जो है जो प्रवेश परीक्षा जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम तो होगा नहीं यहाँ पे, तो जो एडमिशन प्रोसेस है इनका वो यहाँ पे 1 सितंबर से, जो सितंबर का फर्स्ट वीक है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और बता दूँ कि पीजी की कुल सीटें यहाँ पे जो है 500 हैं, एमकॉम में 80 और एमवोक बैंकिंग में यहाँ पे आपको स्कॉट्स बैंकिंग स्कॉट्स जो है यहाँ पे इंश्योरेंस में 50 और एमवोक सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस में 50 सीट्स हैं, एमए एमएससी थ्रोपोलॉजी में 40 और एमए पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस में 60 सीट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। बीकॉम और बीएससी की यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीए का रेगुलर है वहाँ पे 320 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस में 120 सीट्स हैं और टोटल की बात करें तो 440 सीट्स हैं आपको बीए में यहाँ पे मिलेंगी। बीकॉम की बात करें तो रेगुलर में 220 सीट्स यहाँ पे मिलेंगी और सेल्फ फाइनेंस में 330, मतलब कुल टोटल आपको 550 सीट्स मिलेंगी। बहुत ही सीट्स हैं यहाँ पे, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बीकॉम भी देख सकते हो, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स बीजे एमसी और बीबीए एमए एमएस तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 सीट्स हैं, बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी 120 सीट्स एंड फर्दर मूव ऑन तो यहाँ पे बीएससी फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60 सीट्स, बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ में 30 एंड ये सो ऑन। आप सबको यहाँ पे सीट्स वगैरह यहाँ पे दिख रही हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अब यहाँ पे नेशनल कॉलेज में जो है आपका मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा, तो अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।